आज हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं मैक्सिकन चिकन विद मैक्सिकन राइस। इसको नोट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड फैमिलीज के साथ शेयर करें। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि चिकन को मैरिनेट करने के लिए आपको कौन से अज्जा चाहिए वो हम आपको बताएंगे। चिकन को मैरिनेट करने के लिए आपको जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें सबसे पहले 1 टेबलस्पून आपने कुटा हुआ लहसुन अदरक लेना है, 1/2 टीस्पून आपने इसमें काली मिर्च का इस्तेमाल करना है, 1/2 टीस्पून इसमें आपने चीनी का इस्तेमाल करना है, रोजमेरी आपने 1/2 टीस्पून लेनी है, लेमन जेस्ट आपने लेना है 1/2 टीस्पून, 1 टेबलस्पून लेमन का इस्तेमाल करना है लेमन जूस का, और 1 टेबलस्पून आपने पिसा हुआ जीरा इस्तेमाल करना है, और 1 kg आपने बोनलेस चिकन का इस्तेमाल करना है। अब हम आपको बताएंगे आपने इसको तैयार कैसे करना है। सबसे पहले आपने चिकन लेना है, उसमें आपने नमक को शामिल कर देना है, हसबे जायका आपने नमक इसमें शामिल करना है। इस तरह से आपने इसमें नमक शामिल कर लेना है, साथ ही हम इसमें कुटा हुआ लहसुन अदरक शामिल कर देंगे। इस तरह से आपने लहसुन अदरक को शामिल कर देना है, चीनी शामिल कर देंगे, रोजमेरी शामिल कर देंगे, जीरा पाउडर शामिल कर देंगे, लेमन जूस शामिल कर देंगे, काली मिर्च और लास्ट में लेमन जेस्ट शामिल कर देंगे। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और आधे घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे। मैक्सिकन राइस तैयार करने के लिए आपको जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, आपने 2 टेबलस्पून टमाटर पेस्ट इस्तेमाल करनी है, ये हमने आपको सिखा दिया, हमारे लिंक पे जाए वहाँ सर्च करें आपको ये मिल जाएगी। 1 शिमला मिर्च लेनी है, उसको इस तरह जूलियन में कटिंग कर लेनी है। हरा प्याज आपने हसबे जरूरत हरा प्याज का इस्तेमाल करना है, 1 कप उबला हुआ लोबिया आपने इसमें इस्तेमाल करना है, 4 हरी मिर्चें लेनी है, उसको इस तरह से चॉप कर लेना है, 7 साबुत गोल लाल मिर्चें, 8 से 10 साबुत गोल लाल मिर्चों का इस्तेमाल करना है, 1 कप आपने चिकन का इस्तेमाल करना है, उसको इस तरह क्यूब में कटिंग कर लेनी है छोटी छोटी। हॉट सॉस 1 टेबलस्पून आपने हॉट सॉस का इस्तेमाल करना है, 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च का इस्तेमाल करना है, 4 अदद जवे लहसुन के लेने हैं, उसको इस तरह से चॉप कर लेना है, और नमक हसबे जायका आपने इसमें इस्तेमाल करना है। साथ ही हम 1 kg राइस इस्तेमाल करेंगे, बॉयल्ड राइस आपने इसमें इस्तेमाल करना है। अब हम आपको बताएंगे आपने इसको तैयार कैसे करना है। इस तरह से आपने एक पैन लेना है, उसमें 1/4 कप ऑयल का डाल देना है और साथ ही लहसुन शामिल कर देंगे। अब लहसुन को गोल्डन ब्राउन करेंगे, ये देखिए लहसुन गोल्डन ब्राउन हो गया, अब हम इसमें चिकन को शामिल कर देंगे। इस तरह से जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा, इसमें लाल लोबिया को शामिल कर देंगे, बॉयल लाल लोबिया आपने इसमें इस्तेमाल करना है, साथ ही साबुत गोल लाल मिर्चों को शामिल कर देंगे, शिमला मिर्च शामिल कर देंगे, इस तरह से टमाटर पेस्ट शामिल कर देंगे। इस तरह से आपने टमाटर की पेस्ट शामिल कर देनी है, हॉट सॉस को शामिल कर देंगे, कुटी लाल मिर्च, सब्ज मिर्चे, नमक शामिल कर देंगे। अब इसको मिक्स करेंगे, साथ ही आपने इसमें बॉयल्ड राइस को शामिल कर देना, इस तरह से आपने बॉयल्ड राइस शामिल कर देना। अब हम इसको मिक्स करेंगे, इस तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना, इस तरह से आपने मिक्स कर लेना है। साथ ही लास्ट में हम इसके सर्विंग के टाइम इसमें हरा प्याज शामिल कर देंगे। इस तरह से आपने हरा प्याज शामिल कर देना। अब हमारे मैक्सिकन राइस बिल्कुल तैयार है। अब हम क्रीमी मैक्सिकन चिकन को तैयार करेंगे। इसको तैयार करने के लिए अब आपको जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, आपने 1 टेबलस्पून लहसुन का इस्तेमाल करना है, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन अदरक आपने लेना है, हैलोपिनो आपने लेनी है, 3 हरी मिर्चें लेनी है, उसको आपने सिरके में भिगो देनी है और बाद में फिर आपने इस तरह इसको चॉप कर लेना है, हसबे जरूरत आपने हरे प्याज का इस्तेमाल करना है, 1 कप आपने इसमें क्रीम का इस्तेमाल करना है, चिकन जो हमने पहले मैरिनेट किया था और आपको बता दिया था कि इसमें जो जो अज्जा शामिल किए हैं, 1 आपने शिमला मिर्च लेनी है, उसको इस तरह जूलियन में कटिंग कर लेनी है, 1 प्याज लेनी है, उसको भी इस तरह स्लाइस में कटिंग कर लेना है। आपने क्रीमी मैक्सिकन चिकन किस तरह तैयार करना है, इस तरह से आपने एक पैन लेना है, उसमें आपने 2 टेबलस्पून ऑयल को शामिल कर देना है, साथ ही हम इसमें कुटा हुआ लहसुन अदरक शामिल कर देंगे। इस तरह से आपने कुटा हुआ लहसुन अदरक शामिल कर देना है, इस तरह से हम इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। जब लहसुन अदरक पक जाएगा तो हम इसमें मैरिनेटेड चिकन को शामिल कर देंगे। अब इसको मिक्स करेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। अब दूसरी तरफ हम इसकी क्रीमी सॉस तैयार करेंगे। इसके लिए हमने 1 टेबलस्पून ऑयल को लिया, अब साथ ही हम इसमें लहसुन को शामिल कर देंगे, कुटा हुआ लहसुन इसमें आपने शामिल कर देंगे, इसको भी अब हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। इस तरह से जब लहसुन गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, अब हम इसमें प्याज को शामिल कर देंगे। इस तरह से आपने स्लाइस प्याज इसमें शामिल कर देंगे, इस तरह से प्याज को इसमें शामिल कर दिया, अब हम इसको सॉफ्ट कर लेंगे। इस तरह से जब प्याज सॉफ्ट हो जाएगा, अब हम इसमें हैलोपिनो को शामिल कर देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे।
साथ ही हम इसमें शिमला मिर्च को शामिल कर देंगे। साथ ही हम इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम इसमें क्रीम को शामिल कर देंगे। इस तरह से आपने क्रीम शामिल कर देनी है, इसको मिक्स कर लेना। हमारी क्रीमी सॉस बिल्कुल तैयार है और फ्लेम ऑफ कर देना। ये देखें, इस तरह से जब हमारा चिकन तैयार हो जाएगा, हम इसमें शिमला मिर्च को शामिल कर देंगे। साथ ही हम इसमें क्रीम को शामिल कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरह से क्रीम शामिल कर देंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। हरा प्याज शामिल कर देंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना। हमारा क्रीमी मैक्सिकन चिकन बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको सर्व करेंगे। इस तरह से आपने चिकन को सर्व कर देना। इस तरह से ये देखें, इस तरह से आपने इसको तैयार करना। आप इसको बोनलेस में भी तैयार कर सकते हैं, चिकन ब्रेस्ट में भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। सेम इसी मेथड से आपने इसको तैयार करना है। यही इंग्रेडिएंट्स आपने इसमें शामिल करना है जो हमने आपको बताया। साथ ही हम इसके ऊपर सॉस को शामिल कर देंगे। इस तरह से आपने सॉस शामिल कर देना है। इस तरह से आपने इसकी सर्विंग करनी है। सर्विंग के टाइम आपने इसको सर्व करना है, उससे पहले नहीं करना। साथ ही आपने स्प्रिंग अनियन को स्प्रिंकल कर देना। इस तरह से साथ ही हम इसकी राइस की सर्विंग करेंगे। इस तरह से आपने इसकी राइस की सर्विंग करनी है। ये देखिए कितने प्यारे कलर के तैयार हुए। इस तरह से आपने इसको तैयार करना है। कलरफुल तैयार हुए हमारे राइस। स्पाइसी मैक्सिकन राइस हमने आपको सिखाए हैं। इस तरह से आपने इसको तैयार करना है। ये देखिए, इस तरह से आपने इसको तैयार करना है। देखिए राइस इस तरह से खिले खिले और मज़े के तैयार होंगे। इस तरह से आपने इनको तैयार करना है। स्पाइसी मैक्सिकन राइस हमने आज आपको सिखाए हैं और साथ ही इसके हमने आपको क्रीमी मैक्सिकन चिकन सिखाया। इसी तरह से ऐसे ही आपने सॉस तैयार करनी है। इसी तरह चिकन को तैयार करना है, मैरिनेट करना है और इसी तरीके से आपने इसको तैयार करना है। देखिए सर्विंग के टाइम आपने ये चीज़ें सर्व करनी है और इसी तरह आपने सर्व करना है। देखिए कितना मज़े का तैयार हुआ है। ये देखिए लुक देखें उसकी कितनी प्यारी आ रही है और खाने में भी बहुत मज़े का तैयार होता है। आप दावतों वगैरह में इसको ज़रूर तैयार करें। कोई ख़ास मेहमान आपके घर में आ रहे हैं उनको बना के खिलाएं। ये बहुत मज़े के तैयार होते हैं। अगर आप कोई रेसिपी हमसे सीखना चाहते हैं या हमसे कोई शेयर करना चाहते हैं तो हमारे साथ शेयर करें। अगर आपने कुछ पूछना है तो हमें कमेंट करके बताएं और हम आपको कमेंट करके उसका आंसर भी देंगे। इस तरह से आपने इसको तैयार करना है। नेक्स्ट टाइम हम और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।